पांचवें दिन भी आज संसद नहीं चली। राहुल गांधी से माफी की मांग पर भाजपा अड़ी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उन्होंने नेहरू उपनाम, नेहरू सरनेम को लेकर जो अपने भाषण में टिप्पणी की थी उसको लेकर गांधी नेहरू परिवार के अपमान का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया है। और वहीं आपको मालूम ही है कि भाजपा के एक सांसद ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी एक प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है। ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी और ये कहा गया कि अगर आरोप राहुल गांधी पर है कि उन्होंने देश का अपमान किया विदेश में जाकर के, तो कम से कम उनकी बात सुनी जानी चाहिए और संसद में उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, उनको बोलने देंगे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें सौर भाई। पहली बात तो है कि वो पहले तो देश की जनता से माफी तो मांगे। सदन में क्या डिस्कस होगा क्या नहीं होगा, वो सदन के एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होती है, उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के जाके वहाँ पर बाकी और भी जो उनके उसमें जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं उनसे डिस्कस करें, चर्चा करें और उस पर फ्रीडम ऐप से सीख कर। क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो भी एक सहमति बनती है उस सहमति के हिसाब से चाहे जो भी डिस्कशन होना हो, जो भी किसी को भी अधिकार है वहां बोलने का, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। ऐसा नहीं कि कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में करने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि जब चाहे हमको बोलने दो जब चाहे हमको नहीं बोलने दो, ऐसा नहीं होता। वहां पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता, प्रोसेस फॉलो कीजिए ना। लेकिन उससे पहले देश की जनता को जो अपमानित किया, देश को अपमानित किया, उसको माफी तो मांगो। इतना ही तो आपसे कहा जा रहा है। आप उन लोग जो देश को तोड़ने वाली ताकत है उनके साथ आप जुड़े रहते हैं, उनके साथ आपकी सहानुभूति रहती है, देश की जनता को और देश के साथ आप खड़े नहीं रहते हैं, यही तो दिक्कत है। इसलिए लोग कह रहे हैं माफी मांगो। एक ही लाइन चाहता हूं, ठीक है, एक छोटा कमेंट देना चाहते हैं तहसील में आ रहा हूं आलोक जी। एक ही लाइन ये बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बात बहुत अच्छी की माननीय पूर्व सांसद जी ने। ये 3 मिनिस्टर जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की, उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में उन्होंने अर्जी लगाई थी स्पीकर के सामने। आया था सौरभ जी आपको बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में ये 3 मंत्री बोलने वाले राहुल गांधी के खिलाफ? पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीजर ये है और रूल्स ये है, अगर कोई किसी के खिलाफ बोलता है तो राइट टू रिबटल मिलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा। दूसरी चीज, अपनी बात समाप्त करो, आलोक जी को आप समय दे दीजिए। जब माननीय प्रधानमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं जवाब दे दूं, 26/11 की, सर एक सेकेंड, 26/11 चल रहा था, हमारी वीर एनएसजी पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी, ओबरॉय के बाहर खड़े रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे के घर पर गए 1 करोड़ का चेक लेकर, माफी मांगी देश से, माफी मांगी। ठीक, आलोक भाई ने कहा कि आप देशद्रोही है, कहा नहीं, कहा ना आपसे, ठीक है, आपकी बात वही हो रही है। ओके, बात वही हो रही है कि भाई जिस व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगाया वो व्यक्ति जवाब तो दे। बोलिए आलोक जी, फिर जवाब दीजिएगा जफर साहब। देखिए, केवल और केवल एक्सरसाइज ये है सौरभ जी, पूरी सरकार इस काम पे लगी है कि जो अडानी के मूल सवाल है कि शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए आया वो पैसा किसका है, अगर वो जांच होगी तो स्वाभाविक है कि वो नोटबंदी का है, ड्रग्स का है, बीजेपी का है, किसका है वो पता चलेगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि किसका, हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मोदी साहब ने कई वर्षों तक चिल्ला के कहा मैं शेल कंपनीज को बंद कर रहा हूं, आज 38 शेल कंपनियों का जिक्र तो सामने आ गया, जांच होगी तो कहां तक बात पहुंचेगी। अभी मेरे से पूर्व वक्ता आलोक जी कह रहे थे कि पहले पासपोर्ट के लिए बहुत लंबा टाइम लगता था, मैं बता देना चाहता हूं डॉक्टर आलोक साहब का कि अभी अगर पासपोर्ट रिन्यूअल करना हो तो लगभग 6 महीने की वेटिंग है और 16 लाख से ज्यादा पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 8 पॉइंट हमारे पासपोर्ट की जो स्टैंडर्ड रेटिंग थी वो गिर गई है। हमारे लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 2.5 वर्षों तक अमेरिका ने यहां पर एम्बेसडर नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब मुद्दे गौण हैं, इनसे देश का सम्मान होता है अपमान नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष नहीं कर रहा है। 3 काले कानून थे जब भी सत्ता पक्ष हंगामा करता था, आप बड़े बड़े बिल लेकर आते हैं बिना संसद के। अभी कई मीडिया के प्रभारी, मीडिया के एंकर महोदय सब पूछ रहे हैं कि साहब वो जेपीसी से आज तक क्या निकला, तो भाई संसद में जेपीसी नहीं होगी आज के बाद बंद कर दो। एक एंकर ने मेरे से पूछा, टीवी एंकर ने, क्या आप ये जवाब तो आरटीआई से भी मंगा सकते हैं कि मोदी जी के साथ कितनी बार गए, तो मैंने कहा स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन बंद कर दीजिए, केवल आरटीआई से देश चलेगा। एक और ने कहा कि साहब वो पाकिस्तान की असेंबली में ऐसा हुआ था, तो भाई बीजेपी पाकिस्तान को आदर्श मान ले। हम कह रहे हैं कि सेबी कटघरे में, बीजेपी कह रही नहीं, सेबी जांच कर रही है।
हम कह रहे हैं कि एलआईसी, एक मिनट भाई, एक मिनट, एलआईसी कटघरे में, एलआईसी के अधिकारी, तमाम बैंकों के अधिकारी, एसबीआई के अधिकारी कटघरे में, नहीं नहीं वो जांच कर रहे हैं। सेबी कह रहा है कि साहब हमारा जो है वो स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा, ये कह रहा नहीं नहीं जांच चल रही। अच्छा ठीक है, मतलब आलोक जी, ना मैं आपसे सेबी का, ना मैं आपसे सेबी के बारे में कहूंगा, ना मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बारे में कहूंगा, लेकिन आप जो अपोजिशन की एक पार्टी है टीएमसी, वो ये कह रही है कि भाई हमें हमें जेपीसी नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चाहिए, क्या निकलेगा जेपीसी से, ये टीएमसी का रुख है, उस पर तो बोलिए। देखिए टीएमसी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पे भी क्या बोले, जो टीएमसी विपक्ष का साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में छोड़कर भाग जाए, जिन पर गिरफ्तारी की तलवारें लटकी हों, हम वही तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई अगले दिन ही पहुंच जाएगी वहां पर टीएमसी के यहाँ, अभिषेक बनर्जी के यहाँ। टीएमसी बेचारी क्या बोलेगी, उसकी मजबूरी है, वो तो यही जवाब देंगे। लेकिन हम केवल ये कहना चाहते हैं कि संसद का अपमान मत करो, 5 दिन से सत्ता में आप हैं। फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 300 से ज्यादा सांसद हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप संसद को नहीं चला पा रहे। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम। अच्छा, माफी मांगिए कि 2.5 महीने तक 2G पर आप लोगों ने कहा 1,76,000 करोड़ का। आलोक जी देखिए, एक बात तो है वैसे, आज अगर ये, आज अगर बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग को छोड़ भी दें, एक बात सुनिए जरा, नहीं आज अगर ये मांग छोड़ भी दें तो क्या संसद चल जाएगी फिर, जेपीसी की मांग पे नहीं चलेगी? नहीं, मुझे लगता है जेपीसी बनाइए, संसद चलेगी, क्या दिक्कत? वही बात हो गई ना, फिर उस मांग पर, फिर उस मांग पर, हम तो संसद आज भी चलाना चाह रहे। कल माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर पर्ची दी स्पीकर को कि मैं बोलना चाहता हूं, 30 सेकंड के अंदर संसद अर्जन हो गई लोकसभा, ठीक है, कल का देखा होगा वाकया आपने, ठीक है, उन्होंने कहा मुझे कल मौका दे दीजिए, हम आज भी उम्मीद कर रहे थे। वो तो आपने सुन लिया ना जफर साहब से, पहले देश के सामने माफी मांगे, उसके बाद आगे बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।